हेलो गाइस, क्या हालचाल, सभी को सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब। आगे आपका अपना मिशर जट अपने चैनल पे एक और नया ब्लॉग लेके। ओह माय गॉड, इट्स लुकिंग ब्यूटीफुल यार, एक्सेलेंट, ब्यूटीफुल एंड माउथ वाटरिंग गाइस। गाइस हमारे पनीर पकौड़े भी रेडी हो गए हैं, क्या बात है, ओह माय गॉड। समझो गाइस, पनीर दे देखने को कहते हैं पनीर दा हीरा, या पनीर दा हीरे है, या हीरे पनीर दा नहीं है, एंड यार अल्टीमेट करते हैं। बाकी पालक कोई चीज खाधी है तुम्हें, हमें पनीर भुर्जी खवाऊंगा तुम्हें बना के, मैं तो फिर तुम्हें पनीर पकौड़ा भी भेजूंगा, तुम पनीर बनोगे तो बाकी कहोगे मच्छी खाधी है, पनीर वाली मच्छी खाधी, पनीर वाली। ओ क्या बात है, ये क्या गाइस मक्खन, ओ माय गॉड, इतना सारा मक्खन, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का, अभी और दूर डलेगा, और मक्खन, और मक्खन, मक्खन ही मक्खन, क्या बात है जी। ये गाइस देते हैं पनीर की भुर्जी के साथ ब्रेड पीस, इस तरह गिले करके, पनीर के पकौड़े नाल गुड़ की चटनी, हेलो गाइस, क्या हाल चाल, सभी को सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब। आगे आपका अपना मिशर जट अपने चैनल पे एक और नया ब्लॉग लेके। तो गाइस आज मैं आपको अपने इसी नए ब्लॉग के साथ लेके आया हूँ अमृतसर की बहुत ही ज़्यादा एक्सेलेंट, अमेजिंग और हैपनिंग जगह पे। कहाँ पे गाइस? हीरा पनीर वाला पे। हाँ जी गाइस, हीरा पनीर वाला, जिन्होंने बहुत ही कम समय में एक बहुत बड़ा नाम कमा लिया है। और गाइस इनकी एक खासियत है कि ये अपने सिर्फ 3-4 घंटे के टाइम आवर्स में इतना पनीर बेच देते हैं, इतना पनीर सेल कर देते हैं, एक छोटा मोटा मोहल्ला आराम से भुगत जाए। हाँ जी गाइस, इतना पनीर सेल करते हैं। और गाइस ये अब इनकी जो अपनी फेवरेट आइटम्स हैं उनमें ये बनाते हैं पनीर के पकौड़े, आह क्या लाजवाब पकौड़े बनाते हैं गाइस। और गाइस बनाते हैं ये पिज़्ज़ास, मंजरेला चीज़ से लोडेड पिज़्ज़ास, ग्रिल्ड सैंडविचेस बनाते हैं। और गाइस इनकी एक और लाजवाब आइटम है जो है पनीर की भुर्जी। हाँ जी गाइस, पनीर की भुर्जी जो ये बनाते हैं प्योर अमूल के मक्खन में, वो भी चीज़ जो अमृतसर के शहरवासी हैं बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ के खाते हैं। तो लेट्स गो गाइस, चलते हैं इनके पास और करते हैं इनसे बातचीत कि उन्होंने कब से ये शॉप ओपन की है और यहाँ पर और ये क्या क्या चीज़ें बनाते हैं और हमें क्या क्या रिकमेंड करते हैं कि आज हम इनके पास ट्राई करें। लेट्स गो गाइस, चलते हैं हीरा पनीर वाला के ओनर के पास। जी भैया, अपना नाम बताओ हमारे व्यूअर्स को। भाई सत श्री अकाल सारे, मेरा नाम दमन है जी, तो मेरे फादर साहब का नाम हीरा पनीर वाला आ, नरेंद्र सिंह हीरा उन्होंने नाँ आ, तो उन्होंने शॉप को ना चलती पी आ हीरा पनीर वाला। सो दमन भैया, सबसे पहले मैं ये बताइए आपके जो आपकी शॉप पर सबसे ज़्यादा हॉट सेलिंग आइटम्स आपकी हैं वो कौन कौन सी हैं, सारे कस्टमर लाइक करते हैं? साड़ी सारिया जड़िया आइटम ना वो सारिया फेमस ही हैं, तो जी मर्जी आइटम खा लो, पनीर पकौड़ा, पनीर भुर्जी, पनीर सैंडविच, बंद पनीर, तकरीबन जी आइटम बनी उस पनीर पैना ही पैना है, तुम्हें क्योंकि पनीर अपने खुद का आप बनाई दा, साड़ी अपनी खुद ही डेयरी आ, आप इस करके साडा जो मेन है पनीर ही आ, मतलब पनीर ही पनीर, मतलब आप अपनी हर एक आइटम में पनीर ही पनीर कर देते हो? पनीर ही पनीर पाना, पनीर की बारिश कर दी थी आप। अच्छा, बाकी पालक कोई चीज़ खाधी है तुम्हें, हमें पनीर भुर्जी खवाऊंगा तुम्हें बना के, मैं तो फिर तुम्हें पनीर पकौड़ा भी भेजूंगा, तो बाकी कहोगे मच्छी खाधी है, पनीर वाली मच्छी खाधी, पनीर वाली। ओ क्या बात है, क्या बात है। तो फिर आप दोनों भी ऐसा करो, आप जौन सी आपकी सबसे बेस्ट सेलिंग आइटम्स है ना उनकी आप एक एक प्लेट में लगा के दीजिए। तो गाइस अब इनके पास इनसे ऑर्डर करते हैं हम अपने सारे इसका खाने का और आपको बनते हुए दिखाते हैं कि ये खाना अपने हाथों से खुद कैसे बनाते हैं। अब हीरा पनीर वालों के ऑनर जो दमन भैया हैं वो बनाने लगे हैं सबसे पहले हमारे लिए पनीर की भुर्जी। लेट्स गो गाइस, चेक करो क्या क्या डालते हैं। ये क्या गाइस मक्खन, ओ माय गॉड, इतना सारा मक्खन। ये क्या गाइस प्याज गए, टमाटर गए। दोनों भैया जो आप ये बर्तन यूज़ करते हो भुर्जी बनाने के लिए कौन सा, ये किसका बर्तन है? तांबे का बर्तन है गाइस, ये पनीर की भुर्जी जाते हैं बनाने के लिए जो बर्तन यूज़ करते हैं वो करते हैं तांबे का बर्तन। हल्दी गई गाइस, नमक गया गाइस, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का, क्या बात है। और गई अदरक। दमन भैया कितने दिन हो गए आपको ये भुर्जी बनाते हुए? अपन भुर्जी बनाते 6-7 साल हो गए, ज्यों दी दुकान खोली है, आप दुध दही पनीर बेचने आए हाँ, महाराज की कृपा ना, गुरुदास जी इन्नी कृपा हुई है, पनीर वेचते लोगों को पनीर इन्ना को पसंद आया, फिर अभी कुकिंग के आप थोड़े शौकीन हाँ, पनीर भुर्जी हो गई, पनीर पकौड़ा, बंद मक्खन, जबकि अं ग्रिल बंद मक्खन भी आप बनाने चालू किए हुए हैं, तो अं भुर्जी खावे याद करो एक बार भुर्जी खाधी आ, मैं कहना एक बार अमृतसर आओ, अमृतसर आए हो भुर्जी खा के जरूर जाओ, टेस्ट लगती पैसे दो, नहीं लगती ना दो।
गाइस ये क्या पनीर की भुर्जी में दूध आता दमन भैया बहुत ही बढ़िया हूँ आप पावे तो पनीर ते सामने पनीर कटा तो पनीर वाक के देखो कि पनीर है क्या बात है पनीर की क्वालिटी चेक करो गाइस जो उन्होंने भी पनीर काटा ना मेरे ख्याल से मुश्किल से सिर्फ उन्होंने जो है ना छुरी का वेट डाला वेट और पनीर जो है ना अपने आप कट गया इतना सॉफ्ट पनीर है इनका एक बार बार कैमरा तक घुमा के देखो कि जन्नत हैगी इतने लोग गोवा जाते या बैंकॉक वगैरह जाते बाहर वेख के वेखो कि लोग फॉरन से नहीं लोग बाहर बैठे होंगे उधर लोग इतने बैठे होते चेक करो कैमरा घुमाओ लोगों को दिखाओ कि वाकई कोई एक चीज़ एक प्लेस है एक विखाने वाली गाइस जब तक दमन भैया भुर्जी तैयार कर रहे हैं एक उनके बाहर का व्यू लो और रश चेक करो कितना ज़्यादा रश है कितने लोग आए हों यहाँ पे खाने के लिए ऐसा नहीं बोलते हीरा पनीर वाला इतना फेवरेट और इतना पॉपुलर है कोई वजह है तभी इतने लोग यहाँ पे आके बैठे हुए हैं गाइस हमारी भुर्जी हो रही तैयार और मक्खन क्या बात है जी गाइस इनका नाम होना चाहिए था हीरा पनीर मक्खन वाला जितना मक्खन इन्होंने डाल दिया अभी और दूध डलेगा चेक करो भुर्जी अपनी तैयार हो गई है हूँ तुम चेक करो सारी अपना रेड निशानी चालू हो गई और उन्हें कि अपना दसता कि मैं पक गई हुई हूँ मैं कड़ लो बाहर लोगों का पनीर की भुर्जी में ना पनीर मेल्ट नहीं होंगे भुड़दा नहीं आ फुटी बन जाती है तुम चेक करो पनीर की भुर्जी में प्याज तो नहीं कला पनीर ही नहीं रहूगा बहुत जबरदस्त चीज़ है लो गाइस हमारी भुर्जी की प्लेट सर्व हो रही है पुदीने की चटनी चाहिए डालते हैं अपनी गुड़ वाली चटनी क्या बात है जी और इसके ऊपर और मक्खन डलेगा मक्खन डलेगा गाइस क्या बात है ये गाइस मक्खन वाली भुर्जी बन गई है मक्खन वाली भुर्जी हूँ आप एक और चीज ऐड करनी चालू की क्रीम ऐड करनी चालू की माय गॉड क्या बात है गाइस ये भुर्जी बन गई है मक्खन क्रीम पनीर दूध वाली भुर्जी बन गई है गाइस तुसी भुर्जी खाओगे एक बार अमृतसर आओ जरूर ट्राई करो साढ़े को चाह या पकौड़े आ सैंडविचिस आ गुरामदास जी की कृपा ना इन्ना को सब कुछ फेमस आ तुसी आओ ये सब ताडे भरावां की बदौलत आ ये ताडे लोगों का प्यार आ जिहड़े लोगों ने इन्ना प्यार दिता है अज लोगों के प्यार के बदौलत अं इत्थे पहुंचे हाँ जदों 18-19 साल पहले जो हाँ स्ट्रगल ही ना उस टाइम तो लोगों ने किसी ने साथ नहीं दिता कुछ चंद कु बंदे आ जिन्होंने साडा साथ दिता आ अज उन्हां दा आप दिलों धन्यवाद करते हैं मेरे फादर साहब आ मेरे मदर आ मेरे मामा जी आ मेरा वड्डा भरा आ जिहड़े साडे नाल इत्थे खलोते आ जिन्होंने स्टैंड होए आप अज इन्हां दा धन्यवाद आ साथ दिता आ बहुत स्ट्रगल करके इत्थे पहुंचे हाँ जे अज इत्थे बाहर ये चीज़ बनी आ मिनी लंडन बनया आ ये सब गुरामदास जी मेरे मदर की मेरे फादर की कृपा आ इन्हों की बदौलत ही बनया तो गाइस हमारी भुर्जी तैयार हो गई है अब भाई हमारे लिए लगाने लगे हैं पनीर पकौड़ा इनका जो स्पेशल आइटम है पनीर पकौड़ा वो लगाने लगे हैं दमन भैया के फादर साहब अंकल सत श्री अकाल जी की हाल चाल है जी ठीक है जी बढ़िया जी गाइस ये लगाने लगे हैं पनीर पकौड़ा और क्या बात है जी लो गाइस हीरा पनीर वालों का स्पेशल पनीर पकौड़ा जाने लगा है फ्राई होने के लिए ये गाइस अच्छा सेकंड फ्राई भी सारे इकट्ठे पा दोगे गाइस पहले ये कर रहे हैं हाफ डन कर रहे हैं पहले फर्स्ट टाइम और उसके बाद सेकंड टाइम एक बार ही करते हैं हाफ डन फिर उसके बाद सेकंड टाइम निकालते हैं उसके बाद ही आपको सर्व करते हैं गाइस ऐसे बनाते हैं हीरे पनीर वाले अपने पनीर पकौड़े को क्या बात है जी तो लो गाइस हमारे पनीर पकौड़े भी रेडी हो गए हैं गाइस अंकल थोड़ा स्टंट मार रहे हैं बिलीव लगते हैं इसलिए थोड़ा स्टंट मार रहे हैं अंकल साथ साथ में लो गाइस हमारे पनीर पकौड़े की प्लेट बाहर आ चुकी है आ गया हीरा छा गया हीरा कहते आ गया हीरा पनीर तो छा गया हीरा पनीर क्या बात है जी लो गाइस हमारी प्लेट लग गई है और ये डालेंगे इसमें चटनी
पहले डाली गुड़ की चटनी, फिर आएगी पुदीने की चटनी। अंकल दो चटनियाँ सर्व कर दे, तो दो चटनियाँ, दो चटनी गाइस। ये अंकल इस प्लेट का प्राइस क्या है? 120 रुपए की। कितनी होती है? 250 ग्राम। और दमन भैया भुर्जिका का प्राइस है 160 गाइस। अमूल मक्खन बनी हुई भुर्जी जी प्लेट है 160 दी। ये गाइस देते हैं पनीर की भुर्जी के साथ ब्रेड पीस इस तरह गिले करके। क्या बात है जी, मज़ा ही आ गया। ये गाइस इस तरह से कुछ नज़र आती है इनकी पनीर की भुर्जी की प्लेट। ये हमारी प्लेट है, बताते हैं भी आपको ट्राई करके कि हमें इनका स्टफ़ कैसा लगा। और ये गाइस हमारी पनीर की प्लेट है, इसके बारे में आपको बताते हैं। गाइस हमें नेक्स्ट आइटम बताने लगे हैं अपनी ये ग्रिल सैंडविच पनीर वाले। पनीर वाला ग्रिल सैंडविच खिलाऊंगा तुम्हें मैं गरंटी देना। अंबरसर से पनीर सैंडविच तुम ये नाल नहीं मिलेगा जिन्ना पनीर पा के खवा जाएंगे। बच्चे भी आजगा उन्होंने भी पनीर उन्ना ही मिलेगा जिन्ना तुम मिलेगा। इस कोई आप नहीं कहेंगे जो व्डा आ गया छोटा आ गया, पनीर उन्ना ही देंगे जिन्ना तुम देंगे जिन्ना बच्चे देंगे। तो लो गाइस अब दमन भैया हमें बना के दिखाने लगे हैं इनके स्पेशल पनीर ग्रिल्ड सैंडविच फुल ऑफ पनीर फुल ऑफ चीज एंड लोडेड विद वेजिटेबल्स। दिखावे पनीर वाले सैंडविच जो अपने इतने बहुत फेमस आ जो इतने दुनिया की ए नहीं कि पूरी मैं उक्कर पुट करा देंगे। एक बार जो सैंडविच खा जूगा ना मैं क्या दोबारा सैंडविच खान जरूर आऊगा, इन्नी गरंटी मेरी है भाजी। कि चेक करो इतने हम आप मसाले पा देने अपने जो अपने खुद से तैयार हुए ये अपने सीक्रेट मसाले आ ये सारा मुल आ हूँ आप इतने पा देंगे। आपा कर नहीं हूँ इतने पनीर की बारिश तेरे सामने बारिश इन्नी को कर देनी है कली नहीं कभी वीडियो के बारिश करनी है। कई बंदे कहते ना वीडियो बारिश करनी है बाद जो लैन जाओ कुछ होर जिनी चीज़ विखावे उन्नी मिलेगी वादी मिलेगी घट नहीं मिलेगी। अभी चेक कर सकते पनीर की तो बारिश कर लगे आप। लो गाइस आप चेक कर सकते हैं कि हीरा भाजी ने कर दी है पनीर की बारिश। और जो उनकी टैगलाइन है आ गया हीरा वाकई छा गया हीरा गाइस वाकई छा गया हीरा। जितना पनीर उन्होंने डाल दिया ना सैंडविच में मेरे हिसाब से कि एक सैंडविच खा लो आपका पेट भर जाएगा। भाजी आगे क्या डालेंगे भैया इसमें? इतने भाजी सॉस पैनी है पूरी सॉस। ओके जी लो हूँ ये आप कर लगे हैं कवर अप करके ग्रिल करांगे सैंडविच आपका। गाइस ये सैंडविच हो गया कवर और ये फिर से हो गया कवर एक बार फिर ये हो गया जंबो पनीर सैंडविच। जंबो पनीर सैंडविच पनीर दी आप देखो कि बाहर आंदे लोल पनीर बाहर आंदे वा। ओए होए होए क्या बात है गाइस। और गाइस अब ये सैंडविच जाने लगा है ग्रिलर में। जब तक हमारा सामान लग रहा है तब तक लेते हैं इनके हीरा पनीर वालों के कस्टमर से कुछ रिव्यू। हेलो मैम हाउ आर यू जी? कैन आई हैव योर नेम प्लीज? मुस्कान। ओके मुस्कान जी आप बता सकते हैं कि इनका जो हीरा पनीर वालों का जो फूड है वो आपको कैसा लगा? आई फाइंड देयर पनीर वेरी टेस्टी एंड द टी इज आल्सो वेरी गुड। ओके आई मेंशनड देम अबाउट द इलायची एंड द शुगर दैट आई यूज्ड। यू लाइक द फूड? या 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 वेरी वेल। ओके अंकल आपको जी? It's excellent. Excellent. आपको इनका पनीर भुर्जी वगैरह जो सैंडविच वगैरह सारे अच्छे लगे हैं? It's all fine. All fine ना? Thank you so much, uncle. And nice talking to you. Okay. सारा नाइस भैया मिले हैं इनसे पूछते हैं इनको हीरा पनीर वालों का सामान कैसा लगता है? It was first of all how are you जी? I'm good यार. Can I have a name please? Yeah, my name is Pushkar Arora. Pushkar Arora. Yeah. अभी यहाँ लोकल कहाँ से? No, I'm from New Delhi. New Delhi. Yeah. तो भैया बताएंगे इनका जो सामान है कैसा लगता है आपको? It was like too good. आप यहाँ कैसा लग रहा है जैसे नहीं कुछ अलग सा मजा है चाय में? And seriously, it's really great. और खाने में? खाने में हमने ट्राई किया इनके पनीर के पकौड़े। Okay. It was also too good. इनकी जो चटनी थी ग्रीन वाली it was like something like कुछ अमृतसरी टच था उसमें। Okay. That's it. It was nice talking to you, भैया. Yeah, thank you. Okay, take care. ਭਾਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਚਾਹ ਬਹੁਤ ਟੇਸਟੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਓਕੇ ਅਤੇ ਪਨੀਰ ਵਾਲਾ ਪਕੌੜਾ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਵਧੀਆ। ਪਨੀਰ ਪਕੌੜਾ ਹਾਂ ਪਨੀਰ ਭੁਰਜੀ ਅਤੇ ਸੈਂਡਵਿਚ ਵੈਜ ਸੈਂਡਵਿਚ ਗ੍ਰਿਲ ਸੈਂਡਵਿਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਭਾਈ ਬਹੁਤ ਰਿਵੀ। ਵੈਲਕਮ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਗਾਈਸ ਆਪ ਹਮਾਰਾ ਕਵਰ ਲੀਆ ਮੈਂ ਕੋ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਆਮਲੇਟ ਚੀਜ਼ ਸੈਂਡਵਿਚ। ਲੈਟਸ ਸਟਾਰਟ ਦਾ ਵੀਡੀਓ। ਲਓ ਜੀ ਇੱਕ ਅੰਡਾ ਅੰਡਾ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਡਾ ਅੰਡਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅੰਡਾ ਦੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਅੰਡਾ ਡਾਲਾ ਪਈਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। चलिए गाइस ये गए दो ब्रेड पीस इसके अंदर और ये होगी कवर। तो यह चीज़ चेक तुम चेक करो प्लेट उत्ते रखी आ प्लेट छोटी आमलेट वड्डा आ। हाँ भैया वो तो नज़र आ ही रहा। क्या बात है जी ये भैया एक डिफरेंट चीज़ देखी है जो आपने अभी की है ना
जो उसको पलटाया आपने, ये तरीका सर मैंने आपके पास ही देखा। मैं कहा भाजी तुम खुद चीज़ चेक करोगे वाकई कोई चीज़ बनी है। इन्हों की आपस पा दी भाई जफ्फी जफ्फी भैया गाइस दमन भैया ने इनकी दिलवा दी है जफ्फी लगी है चीज। ओह माय गॉड क्या बात है गाइस, डाल दिया इन्होंने ऊपर वेजिटेबल स्टफ। ये अपना खुद का मसाला जरा आ पाया पापा, खुद का मसाला इन्होंने अभी तो बताया नहीं है किस मसाले में डाला क्या क्या। ये आपा करती चीज ही बारिश। लो गाइस आ गया हीरा और छा गया हीरा। पनीर डलेगा एक ही बात बोल दिया आपने, आ गया हीरा और छा गया हीरा। ऊपर रेडी भैया तंदूरी सॉस। और गाइस ये भी भैया ये भी मैंने अमृतसर में पहला बंदा देखा है जो इस तरह का चीज ऑमलेट सैंडविच बना रहा है। गाइस ये भी हम आपको खा कर बताते हैं कि हमें इस सैंडविच का टेस्ट कैसा लगता है और इसका स्वाद कैसा है। हेलो गाइस, अब हमारे दमन भैया बनाने लगे हैं पिज्जा। दमन भैया कौन सा पिज्जा बनाने लगे हो? वेज लोडेड पनीर पिज्जा। इसमें इसमें कौन सी बारिश होगी? पीसी सी बारिश होगी। पिज्जा पास सॉस आ गई गाइस। सबसे पहले वेजिटेबल का मिक्सचर आ गया, वेजिटेबल मिक्सचर आ गया। इतने नाल आएंगे खुद के मसाले, इतने पावेंगे आप चीज, हम आप इतने करेंगे चीज की बारिश। चीज की बारिश होगी इसमें। लो गाइस चीज की बारिश हो गई है गाइस, क्या बात है जी। क्या आगे इसके ऊपर भैया कौन देखने में इतना ज़्यादा ट्रेंडी लग रहा है तो जब बनने के बाद और खाने के बाद कितना बढ़िया लगेगा भैया। की आपकी एक बात और अच्छी लगी है जो आपने नीचे गिरा और पीस नहीं डाला ना उठा के पीजे में, ये आपकी बहुत बढ़िया बात लगी है। ब्लैक ऑलिव एक बार फिर दोबारा चीज की बारिश होगी। चिली चिली फ्लेक्स आ गए गाइस, ओरिगैनो। हाँ जी भैया हो गया सर आप फुल पिज्जा लोडेड विद चीज एंड पनीर, ठीक है जी लोडेड हो गया। ब्यूटीफुल यार, बहुत ही बढ़िया दमन भैया, मज़ा ही आ गया। तो लो गाइस अब हीरा पनीर वालों का जो पिज्ज़ा है वो बाहर निकलने वाला है और आप देख सकते हैं ओ माय गॉड क्या बात है यार, बहुत बढ़िया भैया। आपके भैया जिस प्यार से आप चीज़ बनाते हैं ना वो वाला प्यार देखे लोगों ने आपके पास आ जाना भैया, इतनी मेरी फुल गारंटी है। और भैया इस पिज्जे का प्राइस क्या है? इस पिज्जे का प्राइस है 200। इसको बोलते हैं महाराजा पिज्जा, इसको बोलते हैं महाराजा पिज्जा। ओके गाइस भैया आप देख सकते हैं कि हीरा पनीर वालों का जो पिज्जा है महाराजा पिज्जा कितना ज़बरदस्त। आम रेस्टोरेंट में जाओ तो ये पिज्ज़ा गाइस मिलता है आपको 400-450 का मिलेगा, यहाँ पर आपको ये वाला पिज्ज़ा मिलेगा सिर्फ 200 का। चेक करो गाइस पिज्जा की क्वालिटी चेक करो आप, बहुत ही बढ़िया। हूँ दमन भाजी अपना जो शेक्स है बहुत ज़्यादा फेवरेट है यार, लोग बहुत पसंद करते हैं, सानू तुसीं कीड़ा शेक ट्राई कराने लगे हो? तुहानूं भाई स्ट्रॉबेरी शेक ट्राई करा लगे, स्ट्रॉबेरी शेक ट्राई कराने लगे हो, ठीक है भाजी। एक और शेक भाजी कीड़ा तुहानूं कोल्ड कॉफी ट्राई करावांगे नाल, स्ट्रॉबेरी शेक ते कोल्ड कॉफी तुसीं ट्राई कराने लगे हो। इहदे कितने कप डाले इसके आपने? 3-4 पाए भाजी, 3-4 पाते। बियर है प्राइस की है स्ट्रॉबेरी शेक का 60 रुपीज़ है, 60 रुपये। भाई ये शुगर में भी ट्राई नहीं करते शुगर। गाइस पनीर के पकौड़े, खीरा पनीर वालों की पनीर की भुर्जी, इनके ग्रिल्ड सैंडविच और इनका चीज़ और पनीर से फुल लोडेड भरा हुआ लोडेड पिज़्ज़ा हमारा आ रहा है विद इन 2 मिनट्स। और मैं तो पनीर ही पनीर पनीर ही पनीर 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 शुरू करती है। ओहो दस दिन नहीं मिला, चलो कोई गल नहीं। हेलो गाइस आ गए इन्होंने स्पेशल पनीर के पकौड़े गाइस, जेडे पिछले दुनिया की ना वो एक्सीड जमानी की पनीर के पकौड़े की। गाइस गाइस एक बार छोड़ने का मन नहीं कर रहा, मैं सारे खाने का रिव्यू करना है इसलिए मेरे को छोड़ना पड़ेगा। ए गाइस एक बाइट ऑर्डर देते हैं, बहुत ज़्यादा बढ़िया
चेक करो गाइस इनकी पनीर की भुर्जी, अल्टीमेट स्टफ, अल्टीमेट चीज, बहुत ज्यादा बढ़िया। ओह माय गॉड, गाइस लिटरली बोल रहा हूँ, इनकी पनीर की भुर्जी में दूध का, क्रीम का और मक्खन तीनों का टेस्ट अलग अलग आ रहा है, और इन्होंने इसमें सामान डाले कि ना कोई कमी नहीं छोड़ी, अल्टीमेट चीज डाली उन्होंने, बहुत बढ़िया।